एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने नगर निकाय चुनाव में बूथ बदलवाने को लेकर प्राप्त आवेदनों को देखते हुए नगर निगम सभागार में पार्षदों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि नगर निकाय चुनाव में निर्वाचक नामावली का कार्य पूरा हो गया है। 18 नवम्बर को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके साथ कुछ प्रत्याशियों ने बूथ को बदलवाने के लिए आवेदन दिया था, जिसको लेकर प्रत्याशियों के साथ बैठक की गई है। बैठक में बूथ बदलवाने के लिए जो आवेदन आया था उस पर चर्चा की गई है, जिसमें सामने आया है कि परिसीमन के बाद उनका मतदान केंद्र दूर हो गया है या जगह कम है, जिस पर सहमति बनी है कि दिए गए प्रस्ताव को देखते हुए मतदान केंद्रों को बदला जाएगा। इस अवसर पर पार्षद जियाउल इस्लाम सहित अन्य पार्षद व अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, केवल आपके लिए नहीं, और भी कोई पार्षद आप ही हैं? अच्छा, आप प्रत्याशी और प्रत्याशियों में कौन? मैं माधोपुर में रहा होगा, दूरी होने के कारण ये आमना गर्ल्स इंटर कॉलेज बहरामपुर में, फिर है पुराना गोरखपुर में, यहाँ पर प्राथमिक पाठशाला पुराना गोरखपुर का केंद्र, मेवालाल गुप्त गुरुकुल जूनियर हाई स्कूल गोरखनाथ में जाने का, ये प्राइमरी पाठशाला पुराना गोरखपुर में रहा होगा। इसी तरह से इस्लामिया गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल में जो केंद्र रहा होगा वो कन्या प्राइमरी पाठशाला में एक एक केंद्र शिफ्ट करने की बात है। इतने प्रस्ताव हमारे पास लिख करके आए थे। अब इसमें दो बातें हैं, सामान्य सी पहले हम बता दें, फिर आप लोगों की बात सुन लें। हम लोगों ने जो एक मोटा मोटा सिद्धांत बनाया, नगर क्षेत्र में नगर निगम में परिसीमन हुआ, परिसीमन के बाद ऐसा हो सकता है कि कोई एक वार्ड का जो मतदान केंद्र है वो दूसरे वार्ड में पड़ रहा है। अगर लोग ये कहेंगे कि हमारे वार्ड में कोई स्कूल है, कोई सरकारी बिल्डिंग है या कोई ये स्कूल है, वहाँ पर वापस लाया जाए, एक सिद्धांत ये मोटा मोटा रहेगा कि वार्ड के बाहर अगर आपका मतदान केंद्र पड़ रहा है तो आपके प्रस्ताव पर उसको वार्ड के अंदर लाया जा सकता है। नंबर तो मेन रोड है, मेन रोड दाऊदपुर वाले ये जा रहे हैं, वीर बहादुर सिंह नक्षत्र। मॉडर्न स्कूल कहाँ पे है? बाबा स्वीट मॉडर्न स्कूल जो रामगढ़ में आ रहा है, हाँ, रामगढ़ ताल में वो है, काशीराम कॉलोनी आप देख रहे हैं, उसके पहले वही तारामंडल में ना, तारामंडल तो साला नहीं, तो साला नहीं, नहीं, तो साला और मुक्ता काशी की दूरी करीब 2 किलोमीटर की। मुक्ता काशी कहाँ पे है? मुक्ता काशी आज मेल से तारामंडल लेके जब हम छत से देखते हैं तो मुश्किल से 200-300 मीटर की दूरी दिखाई देती है। मुक्ता काशी करा दीजिएगा, कुछ बहुत ऊपर और किसी का कोई आपने दिया सर? नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूं और लोकल बॉडीज़ का डिप्टी डीओ हूं। आज हम लोगों ने नगर निगम में जो हमारी अभी निर्वाचक नामावली है वो तो उसका कार्य पूर्ण हो चुका है, उसकी हमने सूचना दी उनको कि 18 तारीख को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा, जो नगर निगम के लिए है, नगर पंचायतों के लिए है। इसके साथ ही साथ कुछ लोगों ने बूथ चेंज के एप्लीकेशन दिए थे, तो बूथ चेंज की ओपन मीटिंग की आवश्यकता थी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों की उपस्थिति में, तो आज ढेर सारे लोग वहाँ उपलब्ध थे। उनके सामने जो बूथ चेंज के प्रस्ताव आए थे हम लोगों ने उनको डिस्कस किए, उनको बताया गया कि साहब यहाँ से यहाँ बूथ चेंज करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मुख्य कारण यही है कि परिसीमन के बाद उनका मतदान केंद्र उनके वार्ड के बाहर हो गया, या स्थान कम है, या वो मतदान केंद्र ध्वस्त हो गया है, मौके पर उपलब्ध नहीं है, या दूरी ज़्यादा है। इन सब विषयों पर लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए और लोगों ने सहमति दी कि इसको चेंज किया जा सकता है।